आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी की नामांकन सभा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा 300 पार के संकल्प से यूपी में इतिहास दोहराएगी भाजपा। 2014, 2017 और 2019 के चुनाव की भांति बीजेपी को प्रचंड बहुमत देगी यूपी की जनता। शहर विधानसभा से नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा चुनाव की अग्नि परीक्षा में 5 साल के कार्यों से करें मूल्यांकन। डबल इंजन सरकार ने दिया हर एक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम। यूपी में हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी, बिना भेदभाव मिला शासन की योजनाओं का लाभ। भाजपा को प्रचंड बहुमत की जीत दिलाने के लिए खुद सिंबल बन जाए कार्यकर्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शहर विधायक के साथ 4 सेट में दाखिल किए नामांकन पत्रों के प्रस्तावकों के जरिए सीएम योगी ने दिया सामाजिक समरसता का संदेश। सामाजिक दृष्टिकोण से सामान्य वर्ग ओबीसी अनुसूचित को किया शामिल, वही व्यवहारिक कार्यगत नजरिए से उद्यमी, शिक्षाविद, चिकित्सक, शिक्षक और धर्म आध्यात्म से जुड़े लोग बने सहभागी। सीएम योगी ने किया भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन, कहा रविवार को जारी होगा भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र। 2017 में किए गए सभी 212 संकल्पों को सरकार ने किया पूरा। यूपी में पूर्व से पश्चिम तक भाजपा को मिल रहा है प्रचंड जनसमर्थन। बर्फीली हवा और बूंदाबांदी पर भारी पड़ा योगी समर्थकों का जोश, जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद के नारों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा सभा स्थल। मौसम से बेपरवाह जगह जगह लोगों ने किया शाह और योगी का जोरदार स्वागत। गोरखपुर से रिश्ते पर भावुक हुए सीएम योगी, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहा, पहले यहां की पहचान हुआ करते थे माफिया, मैंने किया निश्चय अब माफियाओं से नहीं होगी गोरखपुर की पहचान, यहां के माफिया अपराधी अब बढ़ा रहे हैं जेल की शोभा। गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र 322 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, शिव अवतारी गोरक्षनाथ जी का विधिवत मंत्रोच्चार सहित किया पूजन। गोरखपुर नगर से विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्रों को दाखिल करने से पहले सीएम योगी ने किया गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक एवं हवन, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ के दर्शन व पूजन करने के उपरांत नामांकन सभा स्थल एवं नामांकन करने के लिए हुए रवाना। भाजपा के जागरूक मतदाता सम्मेलन में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर किया जोरदार हमला, कहा विकास सज्जनों के लिए है, बुलडोजर दुर्जनों के लिए। हमारे एक हाथ में अस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र है। वो मनाते थे सैफाई महोत्सव, हम मनाते हैं स्थापना दिवस। गोरखपुर में शुक्रवार को पाए गए 58 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में तीसरे दिन भी एक्टिव केस की संख्या रही 1000 के नीचे, अब एक्टिव केस की संख्या हुई 791। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।